दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये एमसीक्यू बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका क्वेश्चन नंबर 96 पढ़ेंगे, ठीक है। 96 से स्टार्ट करेंगे। तो आपका इन विच सिटी इज द हेड ऑफिस ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI सिचुएटेड। तो 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। 98 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन रिसर्च स्टेशन इन द अंटार्क्टिका रीजन। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैथुरी। 99 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू समटाइम्स फाइंड द टर्म एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स इन द न्यूज। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, WTO अफेयर्स। 100 है डैश इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन सिटी। तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जैसलमेर। 101 है विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज बीन सर्टिफाइड बाय FSSAI एज द कंट्रीज फर्स्ट ईट राइट स्टेशन। 101 का ऑप्शन सी, मुंबई सेंट्रल। 102 है इन द ग्रुप ऑफ कंट्रीज, तो इन द ग्रुप ऑफ कंट्रीज नोन एज ब्रिक्स, ए से स्टैंड फॉर ऑप्शन नंबर सी, साउथ अफ्रीका। 103 है द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO इज लोकेटेड इन। 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा। 104 है सार्क सेक्रेटरियट लोकेटेड है, तो 104 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू। 105 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिटेज साइट ऑफ मध्य प्रदेश, तो 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका का। 107 है, 106 है द 13th प्रवासी भारतीय दिवस वास हेल्ड ऑन 8th and 9th January 2015, तो 106 का ऑप्शन नंबर गांधीनगर। 107 है इन July 2019 विच अमंग द फॉलोइंग ऑपरेशन वास लॉन्च बाय द BSF टू फोर्टिफाई द पाकिस्तान बॉर्डर इन पंजाब एंड जम्मू। तो 107 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन। 108 है इन विच स्टेट वाज द ग्लोबल इन्वेस्टर मीट एक्सेंट 2020 ऑर्गेनाइज्ड। 108 का राइट आंसर ऑप्शन बी, केरला। क्वेश्चन नंबर 109 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स फॉर द ईयर 2015। तो 109 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, UN 70 एंड UN पीस कीपिंग पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। 110 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रीवियसली नोन एज द लेडी विलिंगडन पार्क। 110 का ऑप्शन नंबर डी, लोधी गार्डन। 111 है वेन वाज लेक चार्ट बेसिन कमीशन फाउंडेड। तो 111 का ऑप्शन नंबर 22 मई 1964। 112 है वेन वाज द वेस्ट अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक फॉर्म। 112 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 1973। 113 है विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। 113 का ऑप्शन बी, फ्रेंच। 114 है वेन वाज सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट फॉर्म। 114 का ऑप्शन नंबर सी, 1962। 115 है ऑन सेकंड जून 2015 ए कॉन्फ्रेंस ऑन मेक इन इंडिया इंडाइजेनाइजेशन ऑफ करेंसी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द कॉन्फ्रेंस। 115 का राइट आंसर ऑप्शन बी, फाइनेंस मिनिस्टर। 116 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर साप्ता, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। 116 का ऑप्शन बी, द साप्ता एग्रीमेंट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एनी अदर एग्रीमेंट मेंबर कंट्री में हैव इट्स ऑल स्टेट आउटसाइड साप्ता। 117 इन विच ईयर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म। 117 का ऑप्शन नंबर आपका 1945। 118 द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTA कम इन टू इफेक्ट इन। 118 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1995। 119 है द सेवंथ ग्रीक्स समिट इज प्रपोज टू बी हेल्ड इन 2015। रसिया। 120 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो 120 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 1, 2, 3 आर राइट। तो द 13th काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ द एसोसिएशन वाज हेल्ड इन नवंबर 2013 इन पर्थ। इंडिया वाज सिलेक्टेड चेयर ऑफ द एसोसिएशन फ्रॉम 2013 to 2015 एंड देयर आर 20 मेंबर्स नेशन इन द एसोसिएशन। तीनों आपका सही है। कुछ आपका 121 है वेयर वाज नाइगर बेसिन अथॉरिटी एस्टैब्लिश। तो 121 का ऑप्शन नंबर सी, 1918। 122 है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच। तो 122 का ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आपका ईस्ट एशिया समिट 2020 सिंगापुर में नहीं है, बाकी G20 समिट 2019 ओसाका सही है, G7 समिट 2019 ब्रियात
बायराट सही है, और ईस्ट एशिया समिट 2019 बैंकॉक सही है। 123 है विच अमंग द फॉलोइंग होस्टेड ग्लोबल वैक्सीन समिट ऑन 4th जून 2020, तो 123 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यूनाइटेड किंगडम। 124 है 27th जुलाई 2020 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वर्चुअली इनॉग्रेटेड 3 न्यू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR हाई इन टेस्टिंग लेबोरेटरीज फॉर कोविड 19 टेस्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो 124 का ऑप्शन भी कोलकाता नोएडा मुंबई। 125 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट इलेक्टेड इन जून 2020 एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द ईयर 2021 एंड 2022, तो 125 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कनाडा। 126 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर करेक्ट है, तो 126 का ऑप्शन अभी टू ऑनली करेक्ट है। ठीक है, तो दे आर सिलेक्टेड इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 2 ईयर्स ओनली। ठीक है, 127 है वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, तो 127 का ऑप्शन मेरे स्विट्जरलैंड। 128 है एट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्टेड ऑन 4th जुलाई 1776, तो 128 का ऑप्शन नंबर है वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस। 129 है हाउ मेनी कंट्रीज आर रिप्रेजेंटेड इन अनरिप्रेजेंटेड नेशन एंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, तो 129 का ऑप्शन बी 53। 130 है द लेटेस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनिट, तो 130 का ऑप्शन में डी अरेबिक। 131 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इंडिया अफ्रीका समिट तो इंडिया अफ्रीका समिट क्या है आपका, कौन सा इसका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए वन नॉलेज राइट। ठीक है, हेल्ड इन 2015 वाज द थर्ड सच समिट। ठीक है, क्वेश्चन आपका 132 है द 17th कॉन्फ्रेंस ऑफ नैम वाज हेल्ड, तो 132 का ऑप्शन बी मार्गरेटा। 133 है द हेड क्वार्टर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS formed out of erst while USSR is at, तो 133 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मिस्क इन बाइलरोसिया। ठीक है, 134 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड द 10th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग दिसंबर 2015, 134 का डी है नैरोबी। 135 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, तो 135 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 9 बिग समिट जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन, यह पर गलत है। ठीक है, ये सही है, बाकी आपका सब सही गलत है। ठीक है, 136 है वेयर वाज द 14th एशियन इंडियन समिट ऑर्गेनाइज, 136 का ऑप्शन नंबर वियन तियाने। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 137 द एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज सेट अप इन, तो 137 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1948। 138 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिम्स्टेक इज नॉट राइट, तो 138 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन comprising 8 member states lying in the littoral and adjacent areas of the Bay of Bengal, ये गलत है, बाकी आपका सब सही है। this sub regional organizer came into being in 1997 through the Bangkok declaration, Nepal and Myanmar are member of BIMSTEC and it is a platform of inter regional cooperation between SAARC and ASEAN member. 139 है which one of the following is not a member of the Quad group of nation, तो 139 का right answer है option number a France. 140 है who is the 195th member of UNESCO, so 140 correct answer of the Palestine. 141 hai WTO came into existence in the year, 141 ka option number C 1995. For 142 which of the following is not a official language of the United Nations, 142 ka option number C Japanese. 143 hai which of the following Indian cities is included in the list of UNESCO World Heritage Site, 143 ka option number Ahmedabad. Theek hai, क्वेश्चन 144 है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर मेडिसिन सेंस वॉलंटियर्स ऑप्टेन इन द यूजेस, तो 144 का ऑप्शन बी ए नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। 145 है द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB हैज बीन सेट अप फॉर, 145 का ऑप्शन फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 146 है द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल, 146 का ऑप्शन बी चाइना फ्रांस रशिया यूक्रेन USA। 147 है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स आर करेक्ट है, 147 का ऑप्शन नंबर डी द राष्ट्रीय सेफ काउंसिल हैज बीन सस्पेंडेड सिंस 1 नवंबर 1994। 148 है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वेयर रिसेंटली सस्पेंडेड विद रिगार्ड टू वोटिंग राइट बाय द यूनेस्को फॉर नॉट पेइंग देयर ड्यू टू,
तो 148 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 एंड 2 आर राइट, यूएसए एंड इजराइल। एंड 149 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेज आर करेक्ट, 149 का ऑप्शन नंबर डी, 13 आर राइट, 13 आर ओनली राइट, द पीस कीपिंग फोर्सेज वाज सेंट टू इजिप्ट, ये सही है, द फर्स्ट ओमन पीस कीपिंग फोर्स वाज सेंट बाय इंडिया टू लाइबेरिया, सही है। 150 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द इज द न्यू मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन, 150 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। 151 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद नाफ्टा, 151 का ऑप्शन नंबर यूके, यूके इज नॉट एसोसिएटेड विद नाफ्टा। क्वेश्चन आपका 152 है विच विद विच नेशन इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट मोबिलाइज योर सिटी इन सितंबर 2018, तो 152 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। 153 है ऑन 22nd मार्च 2018 हु अनवील्ड अनवील्ड द बुक नील के धब्बे ऑन द ओकेशन ऑफ 106th बिहार डे इन पटना, तो 153 का ऑप्शन नंबर है वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू। 154 है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ G7, तो 154 का ऑप्शन नंबर सी, रशिया। 155 है विच इंस्टीट्यूट हैज बीन अवार्डेड द 2018 नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड इन द कैटेगरी टॉप रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन फॉर पेरेंट पेटेंट्स एंड कमर्शलाइजेशन, 155 का ऑप्शन नंबर द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 156 है द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एमओयू बिटवीन इंडिया एंड सासेफ फॉर कॉपरेशन एंड ऑयल ऑन ऑयल एंड केमिकल सॉल्यूशन इन द साउथ एशियन सीज रीजन, व्हाट डज सासेफ स्टैंड फॉर, तो 156 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम। 157 है वेयर वाज द 14th एशियन इंडियंस इंडिया समिट ऑर्गेनाइज्ड, 157 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम। 158 है वेयर वाज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मिड 2016 ऑर्गेनाइज्ड, 158 का ऑप्शन नंबर है स्विट्जरलैंड। 159 है हु इज द 195th मेंबर ऑफ द यूनेस्को, तो 159 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है पैलेस्टीन। 168 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द अबव आर अमंग द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियान, तो 168 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1345, तो आपका ऑस्ट्रेलिया चाइना एंड इंडिया एंड आपका जापान फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियान, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया चाइना इंडिया जापान। 161 है द टर्म टू स्टेट सॉल्यूशन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ, तो 161 का ऑप्शन नंबर बी इजराइल। 162 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज गोइंग टू होल्ड 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इन अगस्त 2018, तो 162 का राइट आंसर ऑप्शन बी पोर्ट लुइस मॉरिशस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 163 है व्हेन एंड वेयर वाज द समिट बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड नॉर्थ कोरिया लीडर किम जोंग उन हेल्ड, तो 163 का ऑप्शन में 12 जून 2018 इन सिंगापुर। 164 है टुवालू हैज बिकम ए पॉइंट ऑफ डिस्कशन व्हाई, 164 का ऑप्शन नंबर बी ए कंट्री अंडर थ्री टॉप सबमर्जेंस ड्यू टू आइस मेल्टिंग एंड सी लेवल राइज। 165 है द 2+2 बायलेटरल डायलॉग वाज हेल्ड इन सितंबर 2018 बिटवीन, तो 165 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया विद देयर यूएस काउंटर पार्ट। 166 है 15 प्रवासी भारतीय दिवस इन जनवरी 2019 विल बी हेल्ड इन विच सिटी, तो 166 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। 167 है द 10th ब्रिक्स समिट, द 10th ब्रिक्स समिट 2018 वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो 167 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी साउथ अफ्रीका। 168 है द WTO केम इनटू बिगिन ऑन द 168 का ऑप्शन नंबर सी 1995। 169 है द ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया इज द, तो 169 का ऑप्शन नंबर डी UTI। 170 है P5 इज ए ग्रुप ऑफ तो परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। 171 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ IAEA, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, तो 171 का ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 आर राइट, इट वाज सेट अप एज द वर्ल्ड्स एटॉमिक फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन इन 1957 एट द आई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन सेक्रेटरिएट इज हेडक्वार्टर एट वीना इंटरनेशनल सेंटर इन वीना ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। इन टर्म्स ऑफ इट्स स्टैच्यू द IAEA रिपोर्ट्स एनुअली टू द यूएन जनरल असेंबली, ये तीनों आपका सही है। 172 है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI ए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड इन फॉरेस्ट कवर मैपिंग फॉरेस्ट इन्वेंट्री एंड ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS लोकेटेड, तो 172 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए देहरादून। 173 है वेयर इज द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड, तो 173 का ऑप्शन नंबर मैसूर। 174 है वेयर इज द पंजाब ललित कला अकेडमी लोकेटेड, तो 174 का ऑप्शन नंबर चंडीगढ़।
इंडियन डेवलपमेंट फोरम IDF was earlier known as ऑप्शन नंबर 8 इंडियन कंसोर्टियम 180 है अमंग द सार कंट्रीज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री 180 का ऑप्शन में बांग्लादेश 181 है विच वन कंट्री तो विच वन कंट्री इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन 181 का ऑप्शन बी जर्मनी 182 है द लेटेस्ट एडिशन टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया 182 का ऑप्शन बी रेड फोर्ट ठीक है जिस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो तो आज के पास इतना ही कल हम आपका नया चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 बुक्स एंड ऑथर तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।